beat. मेरे पाकिस्तान जी जी क्या वो जलजले के झटके बिल्डिंग गिरी है किस जगह पे आप वहां पे लोकेशन पे हो अच्छा आप पहुंचे लोकेशन पे और मुझे अपडेट दो हम इमरजेंसी रिस्पांस टीम भेज रहे हैं वहां पे रिस्पांस करने के लिए अस्सलाम वालेकुम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जी अभी अभी इतला आई है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सिलसिले के झटके आए हैं बिल्डिंग गिरने की भी इतला है तो आप फौरी तौर पर 3 एम्बुलेंसेस तैयार रखें हम इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के साथ आ रहे हैं नारे तकबीर The Pakistan Red Crescent Sindh has a network of emergency response force in all of the districts of Karachi. On occurrence of any emergency, normally the local volunteers inform the disaster management department at PHQ for help. यहाँ पर हमारे पास जो सबसे बड़ा काम हमारा वॉलंटियर्स मैनेजमेंट में है इमरजेंसी डिजास्टर रिस्पांस है यानी अर्बन डिजास्टर रिस्पांस का एक हमने इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बहुत बड़ा बनाया है जो अपने वक्त की एक बड़ी यूनिक और बड़ा स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर हमने बनाया है यहाँ पर जिसके तहत हम कोई भी अर्बन डिज़ास्टर को डील करने के काबिल हुए हैं उसके तहत हमारे पास तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उनके दफातर खुले हुए हैं उसके अंदर हम वॉलंटियर्स को लोकली इनरोल करते हैं वहाँ ट्रेन करते हैं और वहाँ की असेसमेंट करते हैं ताकि हमारे पास वक्त से पहले मालूम हो कि वहाँ पर क्या चल रहा है इन केस ऑफ बिग डिजास्टर द इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर इज इमीडिएटली एक्टिवेटेड All the concerned departmental heads immediately take over the EOC and connect themselves to the field. Casualties kitni hui hain? Jaldi batao. हमारे वॉलंटियर्स कितने पहुंचे 4 एम्बुलेंस तो जा चुकी हैं हाँ जैन दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लड़कों को भी वहाँ पर भिजवाओ फौरी तौर पे सज्जाद लॉजिस्टिक तैयार है थोड़ा सा सामान जो हमने स्ट्रेचर और फर्स्ट एड बॉक्स उन्होंने और मंगवाए थे वो भी जल्दी से भिजवा दें डॉक्टर साहब फायर टीम तैयार है आपकी प्लीज़ ज़रा उनको डिस्पैच कर दें फौरी तौर पर 4 एम्बुलेंसें और चाहिए बाकी लड़के भी मुझे चाहिए जहाँ पर कितने कैजुअल्टी की तादाद कौन कौन से हॉस्पिटल में गए हैं वो भी मुझे चाहिए The emergency response teams are well equipped to deploy within 5 to 10 minutes. मुझे आपको मेरी आवाज आ रही है हम आपकी मदद के लिए आए हैं अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो जवाब दें
डिजास्टर मैनेजमेंट लॉजिस्टिक सेंटर है, इस्लामाबाद में बहुत बड़ा सेंटर है, वो सेंटर कनेक्टेड है यहाँ पर हमारे EOC के साथ, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के साथ सूबों में। और फिर हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा DM सेल होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल बने हुए हैं, तो ये EOC सेंटर बेसिकली डिस्ट्रिक्ट में डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स के साथ, वहाँ उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ इन टच होता है। और ये पूरी एक इस्लामाबाद से लेकर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच तक, UC तक पूरी चेन बनी हुई है जो हम इमरजेंसीज़ में काम करते हैं। अभी हमारी जो टीमें वहाँ पर काम कर रही हैं उनकी गाय बगा है, हमारे पास मिनट टू मिनट रिपोर्ट्स तो आ रही हैं, मगर मुझे सिर्फ ये बताइए कि जो हमें अभी इतलात आ रही हैं उसमें पता ये चल रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो शायद काफ़ी घंटों तक वहाँ दबे रहें, क्योंकि अभी वहाँ पर ऐसे इक्विपमेंट नहीं पहुँचे हैं कि जो उनको हटा सकें। अच्छा मुनीब साहब, ये बताइए इस वक्त एम्बुलेंसेस की और गाड़ियों की क्या पोजीशन है, कितनी डिस्पैच हो चुकी हैं और कितनी यहाँ पर मौजूद हैं? सर, हमारी 4 एम्बुलेंसेस डिस्पैच हो चुकी हैं जो हादसे पर पहुँच चुकी हैं, बाकी जो कुछ एम्बुलेंसेस हैं जो रूट की वजह से प्रॉब्लम में हैं, कैजुअल्टीज हमारी लेकर जा रही हैं जाए हादसे पे लोग, उनके साथ कोई टीमें वहाँ रुक रही हैं हॉस्पिटल में, और अगर रुक रही हैं तो वो डेटा कलेक्ट कर रही हैं कि नहीं? हमारे पास वॉलंटियर्स की टीम जो है वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में डिप्लॉयड की हुई है, जिसमें से हमने 4 वॉलंटियर्स हमने चिनारी किए हैं डिप्लॉयड, और सिविल में हमने 4 वॉलंटियर्स डिप्लॉयड किए हैं, इसी तरह से हमने बासी शहीद में भी 4 वॉलंटियर्स डिप्लॉयड किए हैं। आप मीडिया के साथ इन टच हैं? जी सर, हमने ऑलरेडी यहाँ से जो हमारी रिस्पॉन्स है उसके बारे में हमने मीडिया को इन्फॉर्म किया हुआ, इसके अलावा हमारा मीडिया डिपार्टमेंट जो है वो इन सारी न्यूज चैनल्स को मॉनिटर भी कर रहा है चारों की कैरियर फॉलो करने के लिए। तो क्या हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो इस सिलसिले में आपने कुछ डिप्लॉय किए हैं या कुछ हेल्प डेस्क बनाई है वहाँ पे? जो जख्मी है हॉस्पिटल जो उनकी फैमिलीज का भी हम जो है रब्ता करवा रहे हैं उस हेल्प डेस्क के जरिए, और जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है हमने अपने मीडिया डिपार्टमेंट के जरिए उसको भी डिसिमिनेट किया हुआ है। Moreover, our volunteers also try to locate the family members of the wounded person to inform about the incident. They also collect the personal data of the causality to be able to provide help if they need. The constant follow-up is also maintained to provide help if needed. हमारा जो बेसिक काम है, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनकी मदद करने के लिए, मदद जो है वो दो किस्म की होती है। एक मदद तो होती है ऐसे वक्त में जब कि कोई कैलेमिटी आई हो, कोई बहुत बड़ा किसी किस्म की हो, चाहे वो जलजला हो या वो फ्लड हो या और इस किस्म की कई किस्मों की कैलेमिटीज़ होती हैं। कुछ तो नेचुरल होती हैं जो अल्लाह की तरफ से होती हैं, और कुछ जो हैं इंसानी तौर पे बनाई गई होती हैं। तो इसमें लोगों की रेड क्रेसेंट या हिलाले अहमद मदद करता है। After rescuing the casualties and rendering first aid, they immediately ship the casualties to the nearest hospital and hand over to the medical staff. After handing over the patients, the Pakistan Red Crescent always follow up with the patient to collect the data of his injury and financial position. In case the patient is unable to bear the expenses of the operation or treatment, the Red Crescent help them out in supporting their treatment.